हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बाइक खोलने के बाद अलीगढ़ में भीड़ भड़ा का बढ़ गया है एकदम। और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आया अभी, वो कह रहे भाई साहब गणपति विसर्जन की वजह से आज ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, 10 पेटी कहीं जानी है तुम्हारी, अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार आधे घंटे के लिए आ जाइए। तो मैंने कहा जी तुरंत, पहले नौकरी सेल, बाद में कुछ काम। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद किया, गाड़ी उठाई और निकल पड़ा। अब चलते हैं, पहुंचते हैं, गाड़ी को भरते हैं आज लबालब ऊपर तक और फिर निकलेंगे आगे। इस बुग्गी वाले ने जाम लगा रखा था भाई, ताऊ इतनी जल्दी नहीं, टेल लाइट नहीं है भाई, बंद हो रही, अभी पता चला फिर चलान कट जा। तो भाई कैमरे तो यहाँ भी लग रहे ना दोनों तरफ। यहाँ अंदर जाके अपने डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान आती है। ये जगह रहती बड़ी व्यस्त है क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, इसलिए इसमें मुड़ के अंदर जाके है। अब ये गाड़ी यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, अगला बंदा कहाँ जाए, हद है यार। तो गाड़ी अपनी भरी है लबालब, देखो पीछे ऊपर तक डिग्गी में भी 250-300 किलो के आसपास होगा सामान। और गाड़ी जो है ना पीछे से ऐसा हो गया जैसे बैठ गई हो, आगे से उठी उठी सी महसूस हो रही है, अगली तरफ से यूं हो रही हो। और बहुत मुश्किल उठ रही है, हालांकि मैंने एक बार इसमें 1000 किलो वजन भी रख दिया था, हम 2 आदमी भी गए थे बैठ के। इस बार वजन भी कम है, लेकिन हो सकता है टायर में हवा वगैरह कम हो या कुछ इस तरह का भी हो सकता है, बाकी चलते हैं लेके। तो ये है मथुरा रोड, शासकीय गेट से आगे निकल चुका हूँ। ये आ गया लोधी विहार आवासीय योजना 9। तो ये रास्ता बन रहा था पहले, ऐसा ना हो इसमें पहले जाम था, क्योंकि ये वाली सड़क बन रही थी, आधी बन गई थी, आधी पे काम चल रहा था, तो यहाँ पे जाम लग जाता था। बस आज ना लगाओ और टैक्सी पहुँचे और डाल के वापस। अभी भी काम चल ही रहा है, छोटे छोटे काम चल रहे हैं, सड़क बन गई है, कुछ बनी हुई नहीं है अभी, आगे उस पर काम चल रहा है, बन रही है मतलब। वो देखो वहां तक की ये बन गई है सड़क, लेकिन उससे आगे अभी नहीं बनी है। जाम तो नहीं है, ट्रैफिक तो चल रहा है। ये देखो ये बनी है लेटेस्ट, इसको ऊपर पानी भर के वो करा जा रहा है, क्योंकि सीमेंटेड रोड है ना, इस तराई सी करी जा रही है। अरे घरों की तराई करते हैं ना पानी से, लेंटर डलने के बाद और प्लास्टर होने के बाद, इसी तरह से इसकी भी होती है। ये सर का पेट्रोल पंप है, 5 रुपये महंगा पेट्रोल मिलता है इस पर, लेकिन इसके पेट्रोल में एथेनॉल की मिक्सिंग नहीं होती है, बाकी में 10% एथेनॉल मिक्स होता है। यह जिला प्रशासन, काफी लंबा सड़क तक, लगभग 200 मीटर तक बंद है। बस उधर वेटिंग में है, हम लोग निकलेंगे तो बस तुरंत आएगी। ये निकलने का भी वेट नहीं कर रहे हैं तो घुस जा रहे जबरदस्ती। फाइनली ये देखो सब्जियां बिक रही हैं, इतनी रेत मिट्टी में जमीन पर रख के, क्या यार, जो लोग बिना धोए खाते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। पर भारी ट्रैफिक, ये देखो कितना भारी ट्रैफिक है, भारी ट्रैफिक के चलते जाम भी लग सकता है। दोस्तों ये ऐसा ट्रैफिक है, इनका ये नहीं पता होता किधर को चल दे। ये स्कूल GD गोइंग का पब्लिक स्कूल, दोस्तों ये जिसका स्कूल है वो अपने फार्मर है,
मतलब अपने जान पहचान वाले हैं, हमारी ही दवाई से, मेरी कंपनी की जिसमें मैं जॉब करता हूँ दवाई इस्तेमाल करते हैं, और लगभग 200 एकड़ के किसान हैं, 200 एकड़ की धान करते हैं, फिर उसके बाद उसी में आलू करते हैं और कुछ मस्टर्ड सरसों भी की खेती भी करते हैं। यहाँ पे दोबारा से ये सड़क का कार्य चलता हुआ, यहाँ पे भी बन गई है, वही तराई वाला काम चल रहा है, बस जाम ना लगे यार, जाम लग गया तो घंटों बेकार हो जाएगा, जाम ना लगा तो तुरंत निकल जाएंगे यार। गाड़ी अपनी खाली हो गई और अब मस्ती से गाने सुनते हुए चलते हैं वापस अलीगढ़। शाम के बज गए 6:15, अंधेरा हो जाएगा और 45 मिनट में। आज सैटरडे है, कल संडे, कल हम पूरा दिन आराम करेंगे, कोई काम नहीं है कल, मतलब रूम के काम है छोटे मोटे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल चलते हैं रूम की तरफ और रास्ते में बातें करते हुए चले। हेडलाइट पे लग गया जाम और ये हमारे पुलिस वाले भाई लोग खड़े हैं आराम से, यहाँ जाम लगा पड़ा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से खड़े हैं, देख रहे हैं। वैसे रेड लाइट पे चलान भी हो रहे हैं, वैसे ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो पे यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जरूर जरूर, और कमेंट भी कर देना यार और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय।